हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे रिजल्ट्स के ऊपर ही है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस समझा देता हूँ, देन आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इनके रिजल्ट्स को थोड़ा सा डीपली यहाँ पे समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें आप लोग अगर ऊपर ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग हम कह सकते हैं कि इस कंपनी में से रिलेटेड यहाँ पे आप फंस सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले सीक्वेंस आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे इस क्वार्टर का रिजल्ट है, यहाँ पे सितंबर क्वार्टर मतलब क्वार्टर टू का रिजल्ट है, एंड यहाँ पे लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के रिजल्ट देखने को मिलेंगे मतलब दिसंबर के। देन यहाँ पे जितने भी फिगर्स रहेंगे वो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे रुपीस इन मिलियंस में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 4991, चलिए 5000 पकड़ लेते हैं, देन लास्ट क्वार्टर 5860, देन लास्ट ईयर की अगर हम लोग बातें करें तो 4890 यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो एक चीज़ हमको अच्छा देखने को यहाँ पे ये मिला है कि यहाँ पे जो इनकम है वो देखिए ईयरली बेसिस पे इसमें हम लोगों को जंप देखने को मिल रही है, क्वार्टरली बेसिस पे इसमें गिरावट है। सो अभी आप यहाँ पे सोचेंगे कि कंपनी में ऐसा क्या हो गया कि करीब 5900 से सीधा कंपनी 5000 के इनकम में क्यों आए। तो आपको मैं यहाँ पे फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि आप लोगों को यहाँ ने सुना होगा कि चिप शॉर्टेजेस से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। तो चिप शॉर्टेजेस यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जितने भी ऑटो सेक्टर्स में कंपनियां हैं उन सभी को उसका प्रभाव पड़ा है, ठीक है। एंड उसका प्रभाव जो ऑटो के अंदर के पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं उस पर भी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसी वजह से इस कंपनी का जो इनकम है इस बार का वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर हम लोगों को घटते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड इसका मार जो सिर्फ शॉर्टेजेस से रिलेटेड जो इसका मार है वो पूरे के पूरे रिजल्ट्स में आप लोगों को ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां देखने को मिलेंगी उन सभी पे देखने को मिलने वाला है, जैसा कि हम लोग टाटा मोटर्स में भी देखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं कि 4026 है, लास्ट क्वार्टर 4696 है, लास्ट ईयर 3739 से। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को इनकम में बढ़ोतरी ईयरली बेसिस पे देखने को मिला तो यहाँ पे भी जंप है, तो ठीक है, अच्छी बात है। देन क्वार्टरली बेसिस पे जैसा कि हम लोगों को इसमें गिरावट देखने को मिला था इनकम में, सो यहाँ पर भी गिरावट है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। देन वहीं पे अगर हम लोग प्रॉफिट फॉर द पीरियड्स की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी तरह के एक्सेप्शनल आइटम एंड सभी तरह के टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट यहाँ पे बचा हुआ है, एक्सेप्शनल आइटम के देखिए कोई भी यहाँ पे एंट्री हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो टैक्स देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस बार 865 के आसपास है, लास्ट क्वार्टर 882 एंड लास्ट ईयर 834 देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे सेम हम लोगों को इनकम के एक्सपेंसेस के हिसाब से ही प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी देखने को मिला कि ईयरली बेसिस पे इसमें जंप देखने को मिल रही है एंड क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे डाउन देखने को मिल रही है, जिसके पीछे का कारण यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि केवल इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे ये कारण नहीं है, पूरे के पूरे इस सेक्टर्स में आने वाले का जितने भी कंपनियाँ आएंगे वो सभी के सभी में इसका इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा, चिप शॉर्टेजेस का इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो उस बेसिस से अगर यहाँ पे हम लोग इस कंपनी को जज करें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो हम लोगों को बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। इसमें कोई भी मतलब कंडीशन के हिसाब से ये कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार दमदार यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। देन यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट्स समझ में नहीं आए तो ईपीएस भी आप देख सकते हैं कि 1.48 इस बार का है, लास्ट क्वार्टर 1.51, लास्ट ईयर 1.46। तो सेम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है, देन यहाँ पे ईयरली बेसिस में यहाँ पे हम लोगों को जंप देखने को मिल रहा है। सो रिजल्ट्स यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कंडीशन के हिसाब से बहुत ही शानदार दमदार यहाँ पे हम लोगों को इनका रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट्स यहाँ पे अभी आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर मार्केट इनके रिजल्ट्स
को देखने के बाद मान लीजिए यहाँ पे गिरावट करती है, ठीक है, मान लीजिए इस कंपनी में हम लोगों को गिरावट देखने को मिलती है, तो आप लोग चाहें तो उस गिरावट का यहाँ पे फ़ायदा भी उठा सकते हैं, बाय ऑन डिप्स लगा करके इस कंपनी में यहाँ पे अच्छा खासा माल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि रिजल्ट्स कंडीशन के हिसाब से अच्छे हैं। देन जो सेकंड अपडेट है इस कंपनी से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी कंपनी ने यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट भी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले जो इंटरिम डिविडेंड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.77 रुपीज़ का है, ठीक है। देन जिसका इस रिकॉर्ड डेट आप देख सकते हैं कि 14 फरवरी 2022 हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इससे पहले अगर जिनके भी पास यहाँ पे इनके शेयर्स रहेंगे उनको इसका जो डिविडेंड है वो यहाँ पे मिल जाएगा। देन यहाँ पे एक अच्छी बात यहाँ पे ये यह है कि ये जो डिविडेंड है वो इंटरिम डिविडेंड देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह के शेयर होल्डर्स की परमिशन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है, डायरेक्टली आप लोगों को ये डिविडेंड यहाँ पे मिल जाएंगे। सो जिस कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पे हमने देखे दोस्तों, उसका नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोना BLW प्रिसीजन फॉरिजन, जिसको हम लोग सोना कॉम्स के भी नाम से यहाँ पे जानते हैं। आज इस कंपनी में देख सकते हैं कि 3.49% की रैली यहाँ पे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली है। देन यहाँ पे इस कंपनी से रिलेटेड एक और अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो लगातार यहाँ पे अच्छे आ रहे हैं, मतलब Q1 के रिजल्ट्स, Q2 के रिजल्ट्स एंड देन अभी Q3 के रिजल्ट्स कंडीशन के हिसाब से अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो पास्ट दो कंपनियों के रिजल्ट पास्ट दो रिजल्ट्स इसके जो थे वो बहुत ही शानदार यहाँ पे देखने को मिले हैं। चाहे तो आप इस उन दोनों जो इनके रिजल्ट्स है वो आप मेरे चैनल्स पे यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें मेरे चैनल्स में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देन अभी भी इनके रिजल्ट्स यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से अच्छे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आगे आप लोगों को इस कंपनी में आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। देन आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि इस कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट है वो आप देख सकते हैं कि जून से ही देखने को ये कंपनी मिल रही है, एंड अभी आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने 82% का रिटर्न्स करीब हम बोल सकते हैं कि 7-8 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है, तो अच्छा रिटर्न है एंड अच्छा परफॉर्मेंस इसका लगातार हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो जरूर से इस कंपनी को आप होल्ड कीजिएगा। देन यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मार्केट इनके रिजल्ट्स पे यहाँ पे क्या रिस्पांस लेती है उसको भी देखना यहाँ पे बेहद जरूरी है। अगर निगेटिव इम्पैक्ट लेती है तो आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहने वाला है बाय ऑन डिप्स लगा करके इस कंपनी को यहाँ पे बाय करने का। प्रेजेंट टाइम में भी देखा जाए तो कंपनी अभी अपने हाई से थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट में ही देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे 1 महीने का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी 840 से 664 पे देखने को मिल रही, तो अभी भी चाहे तो आप इसको यहां पे ऐड करके चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसका फ्यूचर काफी ब्राइट यहां पे रहने वाला है, पैसा ही पैसा आप लोग यहां पे इसमें छापते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों इस कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें मुझे आपको बतानी थी वो सभी मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।